हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी चस्का। आज हम बनाएंगे सरसों और दाल की भुजिया यानी भुर्जी। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए देखिए, हमने यहाँ पर लिए ये लगभग ये हमारी 250 ग्राम सरसों है। इसको हमने बहुत अच्छी तरह से 3-4 बार वॉश कर लिया है, धो लिया है। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आप इसमें कोई भी दाल ले सकते हैं, मूंग की दाल, चने की दाल या व्हाइट उड़द की दाल। तो हमने यहाँ पर आज सफेद उड़द की दाल ली हुई है, जिसको कि हमने 1.5 घंटा पहले थोड़ा सा उसको भिगो दिया था अच्छी तरह से वॉश करके। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए, सरसों के लिए हम सबसे पहले हम इसके जो पत्ते हैं इनको हम तोड़कर ये अलग कर लेंगे और इसको छोटा छोटा काट लेंगे। सरसों, पालक, इन सभी को पहले अच्छे तरह से वॉश करने के बाद ही काटना चाहिए। तो इसको हम इस तरह से, देखिए, इनके पत्तों को अलग कर लेंगे। और अगर आपको इसकी डंडियां, ये देखिए, इनको लेना है तो इसको आपको इस तरह से पील करना पड़ेगा। पील करने के बाद आप इसको भी काट कर यूज कर सकते हैं। तो आइए इसको हम सबसे पहले छोटा छोटा चॉप कर लेते हैं। इस तरह से छोटा छोटा चॉप कर लिया है। यहाँ पर हमने ये 250 ग्राम चॉप सरसों ली है और साथ ही ये हमने 1/2 कटोरी व्हाइट वाली उड़द की दाल ली है। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए, इसको बनाने के लिए हमने ये कढ़ाई में ये लगभग 1.5 स्पून ये हमने मस्टर्ड ऑयल लिया हुआ है। देखिए, ऑयल के अच्छे से गर्म होने पर सबसे पहले हम इसमें 1/2 टेबल स्पून ये हम इसमें जीरा क्यूमिन सीड डालेंगे। साथ ही इसमें 1/4 स्पून ये हमने हींग डाली। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है हींग का। इसमें 1 टेबल स्पून ये हमने जिंजर और गार्लिक दोनों को बारीक चॉप किया हुआ है वो हमने ऐड किया है। सबको अच्छे से थोड़ा सा देखिए सौते करेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर देंगे। साथ ही 1/2 टेबल स्पून ये हमने इसमें ग्रीन चिली चॉप्ड डाली है और ये 1 प्याज, 1 प्याज को इस तरह से स्लाइस करके इसमें ऐड किया है। अगर आप गार्लिक और ओनियन नहीं यूज करते हैं तो आप इसको स्किप कर दें। तो देखिए, सभी को अच्छे से सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। ये देखिए, बस इनका कच्चापन निकल जाए इजीली। ये देखिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल से भरपूर सब्जी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी। देखिए, अच्छे से प्याज हमारी, इसने कलर चेंज कर दिया है और सभी गार्लिक ओनियन सभी हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसी स्टेज पर बिल्कुल बेसिक मसाले ऐड करेंगे, जिसमें कि 1/2 टेबल स्पून ये हमने हल्दी पाउडर यूज किया है, थोड़ी सी ये रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर। सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसी स्टेज पर दाल का पानी हमने निकाल दिया है और दाल को अपने को इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, बिल्कुल सिम पर थोड़ी सी देर दाल को पकने देंगे, थोड़ा सा सॉल्ट, ताकि दाल और मसाले सभी हमारे अच्छे से जल्दी से फटाफट से पक जाएं। केवल 2 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे। देखिए, दाल हमारी थोड़ी सी कुक हो गई है। ये हमने 2-3 मिनट के लिए इसको बंद करके रखा था और भीगी हुई दाल थी, फटाफट से ये कुक हो जाती है। बहुत ज़्यादा हमें ओवर कुक नहीं करनी है। बाकी दाल ये हमारी सरसों के साथ पक जाएगी। तो आइए इसको अब हम सरसों में मिक्स कर देते हैं। सरसों को अभी थोड़ी सी देर इस तरह से कवर करेंगे और थोड़ा सा बंद करके 2 मिनट के लिए इसको फिर से कुक करेंगे। देखिए, आफ्टर 2-3 मिनट्स इसको हम चला के देखते हैं। देखिए, सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसी स्टेज पर ये हमने थोड़ी सी रेड कैप्सिकम भी काटी थी, तो टोटली ऑप्शनल है, लेकिन बहुत अच्छी लगती है इसके साथ।
देखने में भी और खाने में भी थोड़ी सी देर और इसको कुक करेंगे और थोड़ा सा इसमें नमक और ऐड करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भुर्जी बनती है ये। 2-3 मिनट के लिए और कुक करेंगे सिम पर। और ये देखिए भुजिया बनकर बिल्कुल देखिए तैयार है। लास्ट में इसमें हम थोड़ा सा ये लेमन का जूस इसमें ऐड करेंगे। आप इसी जगह अमचूर पाउडर भी यूज कर सकते हैं, ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। मिक्स कर देंगे। भुजिया हमारी बनकर रेडी है। एक फाइनल तड़का लगाएंगे। आप इसको इसी तरह से भी सर्व कर सकते हैं और बेटर रिजल्ट के लिए और बेटर टेस्ट के अगर आप चाहते हैं तो एक इसमें ऊपर से फाइनल तड़का और देंगे। अगर हम अभी देखिए इसको अब हम सर्व करते हैं। देखिए तड़के के लिए हमने थोड़ा सा 1/2 टेबल स्पून ये हमने देसी घी लिया है, थोड़ी सी ये जिंजर गार्लिक, 2 रेड चिली, थोड़ी सी ये रेड चिली पाउडर। ये तड़का टोटली ऑप्शनल है। आइए इसको सर्व करते हैं। थोड़ा सा तड़का ऊपर से डालते हैं। सरसों में वैसे भी देसी घी का तड़का बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए हमारी भुर्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।